Good morning, student. Student, today we will read about internet. आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? इंटरनेट के बारे में. आपकी कंप्यूटर की बुक में जो लास्ट चैप्टर है वो इंटरनेट सर्विस है. तो इंटरनेट सर्विसेज में क्या चीज़ें होती है? सबसे पहले तो हम यही जानते हैं व्हाट इज़ इंटरनेट. क्या है व्हाट इज़ इंटरनेट? तो इंटरनेट क्या होता है, उसका यूज़ कहाँ करते हैं, ये सबसे पहले जानना ज़रूरी है जब हम इंटरनेट सर्विसेज के बारे में बात करते हैं. तो क्या है इंटरनेट? इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क. क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क होता है बना हुआ, ठीक है, मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ नेटवर्क्स वर्ल्ड वाइड. तो पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, क्या है हमारा जो इंटरनेट है वो एक नेटवर्क होता है जो क्या करता है, सभी कंप्यूटर्स को या फोन्स, प्रिंटर्स, इन सब को क्या करता है, जोड़े रखता है, ठीक है. और सबसे बड़ी बात कि विदाउट इंटरनेट आप अपने फ़ोन पे कोई भी चीज़ सर्च नहीं कर सकते हैं. अगर नेटवर्क नहीं होगा तो उसकी वजह से आप किसी से बात भी नहीं कर सकते. तो नो वन एग्जैक्टली हाउ मेनी कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट. कोई भी ये नहीं जानता कि इंटरनेट से कितने कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं. ओके, इट इज़ सर्टेन हाउएवर दैट दीज नंबर इन द मिलियंस एंड आर इंक्रीजिंग एट अ रैपिड रेट. और ये क्या है, बहुत मिलियंस में है, ठीक है, और ये दिन पर दिन क्या है, इसकी जो रेट है रैपिड का मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ रही है. नो वन इज़ इन चार्ज ऑफ द इंटरनेट. इंटरनेट का कोई भी इंचार्ज नहीं है, यानी कि कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो इंटरनेट को क्या करता है, देखता है. तो इंटरनेट से क्या है, पूरे ही उसमें आपके कंप्यूटर्स कनेक्टेड है. कंप्यूटर के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो सभी कनेक्टेड होती हैं. इसके साथ साथ अभी मैं ये बताती हूँ आपको कि इसका जो नेटवर्क है किस किस चीज़ से कनेक्टेड रहता है. देखिए, जो इंटरनेट है, मोबाइल्स, लैपटॉप्स, ठीक है, ये लैपटॉप्स आपके, डेस्कटॉप, कम्युनिकेशन में सबसे ज़्यादा इसका यूज़ होता है आज के टाइम में, प्रिंटर, देन सर्वर. सर्वर आप सभी को पता ही होगा बच्चों कि आपके यहाँ पे जो इवन D2H भी चलता है, TV जो आपका चल रहा है वो भी किससे चल रहा है, सर्वर से ही चल रहा है. इसके साथ साथ आपको मैं आपको यहाँ ये दिखाती हूँ, देखिए ये, कि इंटरनेट का जो यूजेस है वो कहाँ कहाँ होता है. देखिए बहुत सारे ऑनलाइन बुकिंग में भी हम किसका यूज़ करते हैं, नेटवर्क का यूज़ होता है, इंटरनेट का, ठीक है. वर्ल्ड वाइड जो नेटवर्क होता है वो पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करता है. उसी तरीके से हमारे एरिया वाइज भी नेटवर्क होते हैं. तो ये यहाँ पे देखो, एजुकेशन, ऑनलाइन बैंकिंग, ट्रेडिंग, रिसर्च, इलेक्ट्रॉनिक मेल, जॉब सर्च, सोशल नेटवर्किंग, कैशलेस ट्रांजेक्शन, कोलेब्रेशन, इंटरटेनमेंट, ई कॉमर्स, फाइल ट्रांसफ़र, नेविगेशन, एडवर्टाइजमेंट, रियल टाइम अपडेट, इन सब में किसका यूज़ होता है, यूजेज ऑफ इंटरनेट का, ठीक है. तो ये सब वर्क आप लोग क्या करते हो, इंटरनेट का यूज़ करके ही कर पाते हो. तो आपको क्या करना है, आज इंटरनेट का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, ये जो आपको मैंने दिखाया है सर्कल, ये वाला, ये आपको ड्रॉ करना है अपनी नोटबुक में. ओके बच्चों, तो बाय स्टूडेंट, हैव अ ग्रेट डे.